अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज का 1.14 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दिया स्प्लके वृत्त की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है और न्यून संकुलन में जो गोला है उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तो फिर दोनों के बीच में संबंध निकालना है। तो दोनों के बीच को संबंध निकालने के लिए हमने क्या किया कि ये चार गोले हमें बनाए अष्टप्रकारी की क्या करिए 2D आप कह सकते हैं कि ये चित्र है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो बड़ा बड़ा गोला है जो उसकी जो त्रिज्या है कैपिटल आर है और अंदर में जो रीतिका बचा उसकी त्रिज्या एक जो गोलाकार के रूप में उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। इस कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में उनको संबंध निकालना है। तो त्रिभुज ABC में AB बराबर हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और बराबर हो जाएगा इतना ही ये BC और AC जो है ये कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर बराबर 2R। एंगल जो B है वो 90 डिग्री होगा, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें तो पाइथागोरस थ्योरम से AC इक्वल टू होगा AB² प्लस BC² रूट। तो AC देख पा रहे हैं कि कितना ये 2R इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल R कैपिटल R प्लस स्मॉल R रूट अंडर। इसलिए 2R इक्वल टू ये हो गया आपका R प्लस स्मॉल R रूट अंडर 2। हमने क्या किया इस 2 को लिख दिया हमने रूट 2 इंटू रूट 2R इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल R इंटू रूट 2। अब हमने रूट 2 से रूट 2 कैंसिल कर दिया, इधर हो गया रूट 2R इक्वल टू R प्लस R कैपिटल R ला करके इधर हमने माइनस कर लिया रूट 2R माइनस R इक्वल टू स्मॉल R R कमन हुआ रूट 2 माइनस 1 इक्वल टू स्मॉल R R 1.41 रूट 2 का मान रख दिया हमने R और इस तरह से हो गया R 0.414 इक्वल टू R। दिस इज द रिलेशन, इसलिए आप कह सकते हैं स्मॉल R इक्वल टू कैपिटल R इक्वल टू 0.414 इसी रीजन से इंतजार था हमें। ये हो गया आपका रिक्ति अष्टमकी रिक्ति का त्रिज्या और कैपिटल R हो गया गोले का।